गाइस वेलकम इन बर्जन बेरीज। तो आज काफ़ी पॉट्स खाली किए हैं, काफ़ी पुराने प्लांट्स निकाले हैं और नए लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और जेड प्लांट की हो रही है रिपोर्टिंग। तो मैंने इसे दूसरे पॉट से निकाला है अभी, और देख रहे हैं काफ़ी अच्छी ग्रोथ में है। इसकी बोनसाई बनानी है हमें, तो इसको अब मैं रिपोर्ट करने लगी हूँ। काफ़ी फ्रेश फ्रेश लीव निकल रही हैं, क्योंकि ऊपर से मैं इसकी प्रूनिंग वगैरह और पिंचिंग वगैरह एज रिक्वायर्ड करती रहती हूँ। और रूटिंग आप देख रहे हैं अच्छे से डेवलप हो चुकी हैं इसकी। तो बीच में एक प्लांट और छोटे छोटे भी एक बार एक साथ में लगा देते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरे प्लांट्स की ग्रोथ थोड़ी हो जाएगी तो उनको हम सेपरेट कर देंगे। तो इसको हम एक साइड में लगाने लगे हैं कि बाद में एक बोनसाई का मतलब कि शेप ले लेंगे। और इस हिसाब से लगाने लगे हैं इसकी फेसिंग स्पॉट पर इस साइड। तो देख रहे हैं पहले थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, मैंने थोड़ा सा इसको बेंड कर दिया था एक उसकी वायर की हेल्प से, तो अब रूटीन वगैरह इसकी ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो तो थोड़ा होल हम ज़्यादा कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है, काफ़ी इजी टू ग्रो है, और सनलाइट शेडेड एरिया, सनलाइट मतलब कि इसको काफ़ी पसंद है इस नवंबर दिसंबर के महीनों की। उस टाइम थोड़ा सा पानी का भी ध्यान दीजिए, रोज़ रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी लीव्स ऑलरेडी पानी को काफ़ी ऑब्जर्व करके रखती हैं। तो अब ये वाली शेप देखा, देखो हम पास इधर को आएगा टेढ़ा होके, थोड़ा सा ये दबेगी भी मिट्टी जब हम पानी डालेंगे, थोड़ी सी इसको ये मेन जो इसका ट्रंक है ये दिखने लग जाएगा। काफ़ी डेलिकेट सी लीव होती है, थोड़ा हाथ लग गया तो ये लीव टूट गया। वैसे लीव से भी ग्रो हो जाता है लेकिन वो बहुत टाइम लेता है, तो अगर आप स्टेम की कटिंग लगाते हैं तो जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाता है। इसमें काफ़ी वेरीगेटेड वराइटीज़ भी आती हैं। ये पहले दूसरे प्लांट्स के साथ था, वो भी थी तो वही सकुलेंट्स, और एक जैसे पानी की रिक्वायरमेंट ही रहती थी, क्योंकि काफ़ी स्पेस इसमें बच रही है। तो एक बार हम इसी के साथ ही लगा देती हूँ ये वाले जेड प्लांट्स की, और बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम चेंज कर लेंगे। रूटीन सभी की हुई हुई है अच्छे से। या फिर इसकी फेसिंग भी इधर ही कर देते हैं, ये बाद में एक ही प्लांट नज़र आए। इसकी फेसिंग भी इधर ही कर दी है, रूट्स ऊपर आ गई, और ये थोड़ी सी लीव्स सोल को टच हो रही हैं, लेकिन जैसे हम पानी डालेंगे तो जैसे कि मैंने पहले बताया सोल थोड़ी सी नीचे चली जाती है। ये हो गई दो, और इसकी रूटिंग भी आप देख रहे हैं जितने भी हैं सबकी रूटिंग प्रॉपरली हुई हुई है। ये भी मैंने स्टैंड से इसी मेन मदर प्लांट से लग कर करके लगाया है, तो काफ़ी इजीली ग्रो हो रहे हैं। ये इसकी रूटिंग है नहीं, और इसकी भी जल्दी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा टेस्ट कर देना लगा के इस छोटे के इसके साथ ही, तो एक बार लीव निकाल देते हैं इसकी, और इसकी लीव्स में बहुत पानी रहता है गाइस, तो रोज़ रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं है। देख रहे हैं इतना पानी होता है इसकी लीव्स में, बहुत ही फ्रेश लीव्स होती हैं इसकी, और सनलाइट भी पसंद है इस प्लांट को। पानी का तो आपको खास करके ध्यान देना होगा, जैसे नवंबर दिसंबर आ गया तो आपको हफ्ते दिन हफ्ते बाद, दिसंबर आ गया 10 दिन बाद, जनवरी फरवरी में तो उसको पानी की इतनी रिक्वायरमेंट रहती ही नहीं है। और ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी रूट रोट हो जाती है, रूटिंग में इसकी ख़राब होने लग जाती है, प्लांट बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है। ये देख रहे हैं यहाँ से ऊपर से मैंने इसको पिंचिंग की थी, तो नई नई पत्तियाँ निकाल रहा है और डबल डबल स्टेम्स निकालेगा और काफ़ी बुशी हो जाएगा, और बाद में हम ये वाला काट देंगे ट्रंक से और ऊपर से इसकी हाइट हो जाएगी। लेकिन अभी इसमें काफ़ी टाइम लगेगा बोनसाई बनने में, इतनी जल्दी नहीं बनने वाला।
ऐसे थोड़ा हो गया, थिक हो गया इसका नीचे से ना इसका ये ट्रंक, लेकिन अभी और चाहिए तो बाद में हम ये वाली कटिंग्स निकाल देंगे। हम अभी निकाल लेते हैं और इनको हम इधर लगा देते हैं और इनको बाद में किसी वर्कपॉट में शिफ्ट कर देंगे। इतनी छोटी से छोटी कटिंग भी चल पड़ती है, बहुत ही इजी। और मुझे लग रहा है कि इसकी शेप में अभी और भी कटिंग वगैरह करनी पड़ेगी, प्रॉपर इसको शेप देनी पड़ेगी, लेकिन वो बाद में करेंगे वो प्रोसेस। एक बार इसको थोड़ा सा पानी देना है और पूरी वेलवेट सॉइल है, नीचे मैंने इसके स्टोन्स डाले हुए हैं कि पानी ज़्यादा टाइम रुके ना इसमें, जल्दी से जल्दी ड्रेन आउट हो जाए। और इस साइड जब तक ये बोनसाई पूरा प्रॉपर नहीं बन जाता, एक तो मैं प्लांट चौके लगाने लगती हूँ क्योंकि इसको भी पानी कितनी रिक्वायरमेंट नहीं है और इनको भी पानी कितनी रिक्वायरमेंट नहीं है। देख रहे हैं आप मदर ऑफ मिलियंस के कितने प्लांट्स हैं। वैसे तो और भी पॉट हैं लेकिन ये प्लांट पॉट थोड़ा खाली खाली लग रहा है, तो तब तक थोड़ी सी ग्रीनरी के लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब अच्छा लग रहा है ना, ये तो बिल्कुल खाली खाली लग रहा था। चलो एक ही लगा देते हैं, ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। ये मदर ऑफ मिलियंस का और ये वाला पॉट मैंने खाली कर लेना है आज, और इसमें फिर और कोई विंटर की वेजिटेबल्स वगैरह लगाऊंगी, काफ़ी थोड़ा कंटेनर है ये। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। और जल्दी मिलते हैं ऐसी और वीडियोज़ के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।